हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज अपना अपना अगला जो टॉपिक है उसका नाम है बॉल बॉक्स। ठीक है सर, ये भी अलग ही है। एक्चुअल में हमने आपको कई सारी चीजें पढ़ा रखी हैं और बॉटनी की पूरी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पे मिल रही है। तो देखिए क्या है, ये एल्गी है। ठीक है, उसके बाद कहां आती, क्लोरोफाइसिस का क्लास होता है, थायलोफाइटाइस का डिवीजन होता है सर। ठीक है, तो इस तरीके इसकी फैमिली वगैरह हमने यहाँ पे लिख दी है। हम लोग इससे पहले हमने काफी नॉस्टॉक पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जितनी भी एल्गीज हैं सब एक एक करके इनका लाइफ साइकिल हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट को देखिए और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी कहां, बीडीकेडियन बीएससी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है भाई, तो हमने यहां पर लिख दिया अकरेंस, मतलब ये प्राप्त कैसे होता है, कैसे इसकी प्राप्ति होती है, कहां मिलती है। सरल भाषा में कह दें भैया, देखा होगा हरा 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 सब हो जाता है यार, वही तो है बस, जाओ क्या। इस एल्गी की लगभग 20 प्रजातियां यानी 20 टाइप में ये पाई जाती हैं। वाटर में स्मॉल ग्रीन स्फेरिकल फॉर्म में होती है। स्मॉल मतलब छोटी, ग्रीन मतलब हरी और स्फेरिकल का मतलब गोलाकार फॉर्म में पाई जाती हैं। रेनी वेदर में ये बहुत तेजी से फैलते हैं यानी बरसात के मौसम में। वाटर को कंप्लीटली ग्रीन हो जाता है वाटर। ठीक है, इसकी कुछ प्रजातियां निम्न है, कुछ यहाँ पे प्रजातियां लिख दी हैं। ब्लूबेटर हो गया, ठीक है, अफ्रीकनस हो गया, ठीक है, एरियूस हो गया, इस तरीके कुछ है जो यहाँ पे हमने नाम लिख दिए हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ सिनोबियम। अब ये सिनोबियम क्या है, एक्चुअल में ये पूरी कॉलोनी है। हमने आपको बताया जैसे जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं उसे हम लोग कॉलोनी बोल देते हैं, वैसे ही जब ये एल्गी बहुत सारी प्रजातियां इकट्ठी हो जाएंगी तो इनके ग्रुप को कॉलोनी बोलेंगे सर। ठीक है, तो हमने लिख दिया वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को हम लोग कहते हैं सिनोबियम। यह क्या होती है, यह हॉलो स्फेरिकल स्ट्रक्चर, हॉलो मतलब होता है खोखला। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है जिसमें 500 से 60,000 सेल सरफेस पर एक लेयर की फॉर्म में अरेंज रहते हैं। सेल्स मतलब कोशिका होती है सर, आपको पता है। इसकी सभी सेल्स कैसी होती हैं, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स द्वारा जुड़ी होती हैं, यानी जोड़ जो आपस में जो जोड़ता है उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। ठीक है, सभी सेल्स हरी यानी ग्रीन और फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। जाहिर सी बात है जब ग्रीन है तो उनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्रिया होगी, अपना भोजन बना पाएंगी सर। ठीक है, प्रत्येक सेल पर दो क्या बोलते हैं, कशाबिकाएं बोलते हैं हिंदी में, या फिर कह सकते हैं फ्लैजेरा होते हैं। इसके निचले भाग पर रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, कॉलोनी में अगले तथा पिछले सिरे अलग अलग होते हैं, यानी दो कॉर्नर होते हैं। उसके बाद जब आप इसकी पीडीएफ देखेंगे तो इस तरीके का देखिए चित्र बना हुआ है, इसमें डॉटर कॉलोनी है, बाद में चीजें अलग हो जाएंगी, कैसे अलग होंगे अभी वो भी दिखाएंगे। ये बॉल बॉक्स का चित्र है, एक बार हम फिर बता दे रहे हैं, अगर बाय चांस आप बहुत, हालांकि जितने चित्र बनने चाहिए वो हमने यहाँ पे सब लगवा दिए हैं, लेकिन अगर आप सब नहीं बना पाते तो एक आध चित्र जरूर प्रैक्टिस कर लें जिससे भी रिलेटेड पढ़ रहे हैं। एक डायग्राम अगर आप बनाते हैं उससे रिलेटेड लिख देते तो अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाएंगे सर। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है, दो तरीके का हो सकता है, एक असेक्सुअल और एक सेक्सुअल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एंड प्लैकिया स्टेज। तो देखते हैं क्या होता है, वही अपना पिछले दो हिस्से होते हैं, एक अगला होता है पिछला होता है। पिछले भाग की कुछ सेल जो यानी कोशिकाएं हैं वो साइज में कैसी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, इन्हें इनमें फ्लैजेला जो है वो गायब हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग गोनेडिया कहते हैं। ये डिवाइड होकर 8 डॉटर सेल्स की एक प्लेट बनाती है। अभी हमने आपको ऊपर डायग्राम में डॉटर सेल्स दिखाया था, इसे प्लैकिया स्टेज कहते हैं। डिवाइडेशन होकर इन सेल्स की एक हॉलो वॉल बन जाती है, गेन टाइप बन जाती है। इस प्रकार डिवाइडेशन चलता रहता है। इस सेल्स के नुकीले सिरे हॉलो वॉल्स की तरफ होते हैं। अग्र यानी आगे वाला जो सिरा होता है, ठीक है, वो फाइलोफोर से होकर वॉल उल्टी हो जाती है, जिसे इन्वर्जन कहते हैं। नुकीले सिरे बाहर की ओर हो जाते हैं। इन सिरों पर दो फ्लैजेला जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं। इस पर डॉटर कॉलोनी बन जाती है जो पेरेंट कॉलोनी से अलग हो जाती है। यानी सरल भाषा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है और सरल भाषा में बच्चे कैसे इसके बनते हैं, मतलब वंश आगे इसका कैसे बढ़ेगा यार, नए कैसे प्रोड्यूस होंगे, तो क्या होगा, इस तरीके की कुछ प्रोसेस रहेगा। ठीक है, और ये चीजें अलग हो जाएंगी। डॉटर का मतलब जो नई बनेगी वो अलग हो जाएगी सर। ठीक है, ये देखिए डायग्राम है, गोनिडियम है, ठीक है, वेजिटेटिव शेल है, इस तरीके की एट शेल्ड में जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, इन्वर्जन कॉलोनी का उल्टा होना, ये कॉलोनी इस तरीके से उल्टी हो जाएगी और इस तरीके से चीजें अलग हो जाएंगी। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये अगैमस, ठीक है, बोल सकते हैं इसे प्रकार का होता है। वॉल्वॉक्स की कुछ जाते हैं यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी और कुछ बाईसेक्सुअल यानी द्विलिंगी होती हैं। कॉलोनी के पिछले भाग की सेल्स बड़ी होती जाती हैं जिनमें फ्लैजेला लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, ये युग्मक धानिया जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, या कहलाती हैं। इनमें अब यहाँ पे दो नाम है, ठीक है, एक जो नर जननांग है उन्हें बोलते हैं एंथिरिडियम, ठीक है, और दूसरी होती है ओगेनियम, ठीक है, मादा जननांग कहलाते हैं। इनमें ओगेनियम जो होता है बनने वाली आकार में बड़ी मंडल में धस जाती हैं और धसने के बाद क्या होता है, जो अपना जीव द्रव्य होता है वो एग यानी अंडे का कार्य करता है और नई जो है वो बन जाती है। ठीक है, एक डायग्राम इसका यह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इस तरीके से एग प्रोड्यूस होंगे और इस तरीके से चीजें बनेंगी। ठीक है भाई, तो एक्चुअल में ये पूरी पीडीएफ आखिरी में इसका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब होता है निषेचन।
भाई नॉर्मल सा लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है जो अभी हमने आपको बताया था, ऑर्गोनियम में एंटर कर जाता है और एग से मिलकर जाइगोट का निर्माण कर लेता है। जाइगोट हम आपको बता चुके हैं, दो चीजें होंगी, ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है, मिलाया तो युग्मक बोलते हैं जैसे हिंदी में। जाइगोट का निर्माण कर लेता है, सरफेस के दो लेयर बन जाती हैं, बाहरी भित्ति मोटी होती है और अंदर की भित्ति जो है वो पतली होती है, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बीडी कैडियन बीएससी टेलीग्राम पे आप जाएंगे और लाइफ साइकिल ऑफ वॉल वॉक्स को लिख लेंगे। देखिए हमने आपसे स्टार्टिंग में कहा था टाइम की बहुत दिक्कत है, लेकिन हमने ये भी कहा था कि ज्यादा से ज्यादा हम लाने की कोशिश करेंगे, और ये शायद आज अपनी बॉटनी की नवीं या दसवीं वीडियो है। एक्चुअल में वीडियो का आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है आपके पास ये नोट्स पहुंच जाए कैसे भी करके, तो कोशिश रहती है। जब ये मेरी ही राइटिंग है सर, छांटा है बैठ के हमने सर, ठीक है, तो यही है आपके लिए सरल से सरल चीजें छांटने की कोशिश है। आप इसे नोट करें, सारे चित्र ना बना पाए कोई बात नहीं, कुछ सिलेक्टेड बनाए, वाले सिर्फ स्ट्रक्चर वाला बना दिया, मेन चित्र जो है वो बना दिया, सब नहीं भी बनाओगे चलेगा। लेकिन देखो हम बार बार एक बात कर रहे हैं, अगर आप कहीं पे कोचिंग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पढ़ सकते हैं और भी अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो बेचारे परेशान हैं, बीएससी कर रहे हैं, फीस नहीं है, बहुत सारी चीजें, ये सब उन बच्चों के लिए करने की कोशिश है बस, ठीक है। तो इन सब का फायदा आप उठाएं, ठीक है, और बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इनके नोट्स बीडी कैडेट बीएससी सर्च कर लें टेलीग्राम पे, कल तक पढ़ जाएंगे। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।